गुजरात के वडोदरा के कोयली में लगी हुई आग सुबह 5 से 5:30 के बीच में काबू में आ चुकी है, लेकिन इस वक्त हम रिफाइनरी के बाहर मौजूद है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये वही कर्मचारी है जिन लोगों को कल यहाँ से सुरक्षित तौर पे निकाला गया था, क्योंकि दोपहर में 3 बजे के आसपास एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद ये सारे कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे। ये रिफाइनरी आप देख रहे हैं, वहाँ पर कल कुछ और स्थिति थी, क्योंकि 2 धमाके होने के चलते 2 लोगों की मौत होने की भी पुष्टि जो है वो की गई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल को यहाँ पर भेजा गया है और पूरा जो रिफाइनरी है वहाँ पर प्लांट के अंदर कूलिंग की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लगातार की गई है। कुछ कर्मचारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो लोग बाहर क्यों खड़े हैं, क्योंकि एक ऐसी भी बात आ रही है कि उन लोगों को पता नहीं है कि आज रिफाइनरी का काम चालू है या बंद है। भाई साहब, बड़े पैमाने पर आप लोग बाहर खड़े हुए हैं, आपको पता है कि आज अंदर जाना है, काम चालू है नहीं है, क्या है? ये मालूम नहीं है सर। बताया है आपको अंदर से? कुछ बताया नहीं। अच्छा, बताया नहीं है आप लोगों को, तो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अंदर से मैसेज आएगा? जी। कल आप थे जब पूरी वारदात हुई? हम लोग इधर में थे, इस साइड में। क्या हुआ, क्या था, मतलब 3 बजे के आसपास? हम लोग तो मालूम नहीं, टैंक उड़ा था सर। खाली धड़ाका हुआ था, टैंक फटा था, ऐसा आवाज आया। फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं, सब पब्लिक को बाहर निकालना चालू कर दिया था। फिर दूसरा टैंक का आवाज़ 8:30 फटा था कुछ टैंक बस। कितने लोग तकरीबन काम करते होंगे अंदर, कुछ आंकड़ा आपको पता है? बहुत प्लांट का प्रोजेक्ट चल रहा है तो बहुत ऐसा हुआ है। मतलब 10,000, 20,000, 50,000, कितने लोगों के हो गए? 20,000-25,000 हो गए। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं स्कैप होल्डिंग में। स्कैप होल्डिंग में काम करते हैं, ओके। आपको भी अभी कुछ बताया नहीं गया है कि आपको जाना है? पता है कि सुबह 7:30 फोन आया कि छुट्टी है, अभी फिर बोला है कि जाने का, अभी पता नहीं, कुछ डिसीजन पक्का नहीं है जाना अंदर। मतलब आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब आपको अंदर जाएंगे, तो भी पर अभी बैठा रहना पड़ेगा, परमिट मिलेगा नहीं। सभी कॉन्ट्रैक्ट पे है कि परमानेंट कर? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर पे। सब कॉन्ट्रैक्ट पे है। सब लोग जो है यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब उनको एक फाइनल कॉल मिले, उसके बाद वो लोग अपने काम फिर से शुरू करें। पीछे पीछे देखिए, यहाँ पे जो IOCL की रिफाइनरी है जहाँ पर ये पूरी आग लगने की घटना हुई थी, और ये सभी जो कर्मचारी है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए पहुँचे हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आखिरकार यहाँ आज क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बातचीत वडोदरा के फायर ऑफिसर से हुई है, उनका कहना है कि आज पूरे दिन कूलिंग की प्रोसेस और उसके बाद ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस रहेगी, तो इसके चलते ये डिसीजन जो है वो IOCL खुद करेगा कि आज यहाँ पर काम शुरू होगा या कल से फिर एक बार यहाँ पर कामगिरी शुरू की जाएगी। गुजरात के वडोदरा के कोयली में IOCL में 24 घंटे पहले लगी हुई आग पर फिलहाल काबू हो चुका है। सुबह 5 बजे ये आग पर काबू पाया गया है। खुद वडोदरा के फायर ऑफिसर की ओर से हमारे साथ टेलीफोनिक बातचीत पे ये खुलासा उन्होंने किया हुआ है कि जो आग लगी थी उस पर कंट्रोल हुआ है। ये पीछे अब देख सकते हैं IOCL जो रिफाइनरी है जहाँ पर 24 घंटे पहले यानी कि दोपहर को 3:30 के आसपास जो भीषण आग लगी थी, जिसमें 30 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियाँ मौजूद थी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद, भरूच, अंकलेश्वर, बड़ौदा के सारे फायर ऑफिसर थे उन लोगों को भी यहाँ पर भेजा गया था, और एक बार आग लगने के बाद ये जो आग है उसने दूसरी बार शाम को अपना जो बेहद भयानक रूप था वो दिखाया था, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की भी बात है वो सामने आ रही है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो आग के चलते सुबह जो काबू पाया गया है, अभी IOCL की ओर से कूलिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू की गई है, तो दूसरी ओर जो लोग मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि सुबह की पाली में यहाँ पर पहुँचने वाले थे वो सभी लोगों को भी अभी बाहर खड़ा किया हुआ है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि IOCL की ओर से आज छुट्टी जारी की गई है कि नहीं, लेकिन सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो सभी यहाँ पर IOCL की प्रीमाइसिस है वहाँ पर खड़े हुए देखे जा रहे हैं। कूलिंग की प्रोसेस के बाद IOCL की ओर से ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार फिर से काम शुरू कब करना है, क्योंकि जो केमिकल था जिसमें आग लगी थी और वो अगर आग पर काबू नहीं होता तो ये बड़ी भयावह स्थिति पैदा होती, जो पूरे बड़ौदा सिटी के ऊपर इसकी इफ़ेक्ट भी आ सकती थी। लेकिन मौके पर हाजिर जो फायर कर्मचारी थे उन्होंने अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर सुबह 5 बजे ये आग पर काबू किया है, और साथ ही में ये भी एक बात सामने आई है कि डिजास्टर कॉल
जाहिर हो उससे पहले फायर डिपार्टमेंट और IOCL की ओर से ये आग है उसको टोटली कंट्रोल में किया गया है। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ कुशांग सोनी, ABP न्यूज़, बड़ोदरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.